बढ़िया फोन बनाएंगे, इंडिया की सिंपैथी नहीं लेंगे, एक्चुअली में प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, बढ़िया प्रोसेसर डालेंगे, अग्नि देवता बढ़िया सा प्रकट करो। तो गाइज ये है अग्नि का बॉक्स और देख लो भाई दोनों कैमरा एंगल में। और मैं आप लोग को बता देता हूं कि फाइनली इंडियन ब्रांड कोई आया है जिसने सही पैकेजिंग रखी है। मैं आप लोग को दिखाता हूं, सबसे ऊपर एक ऑरेंज ट्रे के अंदर फोन रखा हुआ है, एक्चुअली में प्रीमियम पैकेजिंग लगी मेरे को। और साथ में इस फोन का नाम क्या है, जस्ट अग्नि है ना, हाँ बस अग्नि 5G बोल लो भाई। और अगर मैं बात करूं नीचे वाली साइड की तो एक और पाउच रखा हुआ है और यहाँ पर जो है सिम इजेक्टर टूल और क्लियर केस देखने को मिलता है, तो ये अच्छी चीज है। और बहुत ही तमीज से पैक करा हुआ है क्लियर केस, एक अच्छा खासा फोम टाइप भी लगा रखा है। और हाँ क्लियर केस कैसा है वो हम टेस्ट कर लेंगे। बाकी मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ऐसा लावा का कहना है कि ये जो फोन है ये पूरा का पूरा इंडिया में बना हुआ है। मैं आगे चल के सारी बातें बताऊंगा, बट नीचे की तरफ जो है 30 वॉट की चार्जिंग ब्रेक रखी हुई है। और ये मेरे को अच्छी बात लगी कि जो इंडियन ब्रांड आया है बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करा है सब कुछ। और जो नीचे चार्जिंग केबल भी है मैं देख सकता हूं कि भाई वायर जो है एक अच्छी क्वालिटी की है, लाइक बहुत ही मोटी है। इससे पता लगता है कि भाई ये छोटी छोटी डिटेलिंग पर ध्यान रखा है। अब फोन में आप लोग को दिखाता हूं कि है कैसा, मैं ऑलरेडी देख चुका हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फोन मुझे एक्चुअली में डिजाइन सही लगा है। बाकी हाँ मैंने वेट बता देता हूँ आप लोग को कि लाइट वेट फील 100% होता है और बड़े फोनों में से एक है ये, तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। प्राइस की बात करूं तो भाई इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है 18,000 रुपीज है, और अगर मैं वैसे प्राइस की बात करूं तो 20,000 रुपए है। तो 20,000 के हिसाब से मुझे हायर साइड लगी है, मैं ऑनेस्टली आप लोग को बताना चाहता हूं। लेकिन वैसे अगर 18 रहता है प्राइस तो बहुत सही रहेगा क्योंकि इंडियन ब्रांड है। चलो इसके बारे में सारी बातें बताता हूं गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा इसके डिजाइन के बारे में, क्योंकि अभी तक जितने भी इंडियन फोन आए हैं ना उनकी डिजाइन में कहीं ना तो कहीं कॉम्प्रोमाइज रहता था। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो लुक्स तो इन लोगों ने बहुत अच्छे मेंटेन की है। यहाँ पर जो है मैट फिनिश भी है और ऊपर से ग्लोई भी है, तो लाइक इसको ग्लोई मैट फिनिश बोला जाता है। कलर मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, ऊपर जो है हल्का सा सिल्वर भी ग्रेडियंट देखने को मिल जाता है और नीचे आते आते वो बिल्कुल डार्क ब्लू की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो फोन की लुक्स है ना वो बहुत अच्छी लगी है। यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक जगह मेरे को बहुत ही ज्यादा मतलब फील हुआ कि फोन हाँ मतलब हैवी नहीं बोलेंगे, हाँ स्लाइटली हैवी है और थोड़ा मोटा तो है। ये मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये पहला स्मार्टफोन है जो कि इंडियन ब्रांड की तरफ से आ रहा है जो कि 5G है, और यहाँ पर 3 5G बैंड भी देखने को मिल जाते हैं। कैरियर एग्रीगेशन नहीं देखने को मिलती। बाकी स्पीकर्स की बात करें तो भाई वो एवरेज साउंड करते हैं, सिंगल स्पीकर ही है। और जो हैप्टिक्स है, जो वाइब्रेशन मोटर है, वो बहुत ज्यादा बेकार देखने को मिलती है। अरे भाई डरने की बात नहीं है, इतनी कमियां चलती है। बाकी मैं आप लोग को बताता हूं जो पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना वो बहुत फास्ट काम करता है, सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। बस एक प्यारा सा ओपिनियन देना चाहूंगा मैं अपना इसकी डिजाइन एंड लुक्स के बारे में कि जैसे लावा ने ना होमवर्क कॉपी की है रियलमी और ओप्पो से, इतना ज्यादा सिमिलर बैक पैनल की फिनिश है ना, लगता है भाई कॉपी हुआ है। जो डिजाइन डिपार्टमेंट है ना वो बिल्कुल ऑर्डिनरी या फिर कुछ कुछ कंडीशन में ओके है, बिल्कुल मेरे को यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है कोई। नंबर टू डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, मैं एक बात आप लोग को बताता हूँ कि लाइक लावा जो है फाइनली स्मार्टफोन पे उतरा है। इनसे पहले तो कीपैड छोटे मोटे फोन ही लॉन्च कर रहे थे लाइक जो अच्छे नहीं थे, सीधे वर्ड्स तो ये है कि लावा अच्छा काम बिल्कुल नहीं कर रहा था। गजब बेइज्जती है। फाइनली अब ये जो अग्नि आया है इसके अंदर इन लोगों ने जो है डिस्प्ले बहुत बड़ी डाली है और वो बहुत अच्छी चीज है। 6.78 इंचेस की है, 1080p डिस्प्ले है, ये चीज अच्छी है, और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। अब वो जो रिफ्रेश रेट है ना गाइस, सच्ची में भाई कई कई जगह पे जो है ऑप्टिमाइजेशन की इतनी कमी है कि इतना ज्यादा लैग महसूस होता है, जिटर महसूस होता है। वैसे 90 हर्ट्स है लाइक वो ठीक बात है, सुनने में अच्छा लगता है, बट हाँ ब्रांड को अभी वर्क करने की बहुत नीड है, इसको और स्मूथ ये बहुत प्यार से बना सकते हैं, कहीं कहीं जगह पे लैग महसूस की है। ऐसे इसके बारे में डिस्प्ले आप लोग को आउटडोर जाकर दिखाता हूँ। ब्राइटनेस फुल कर दिया गाइस मैंने, और डिस्प्ले जो है मेरे को बिल्कुल दिख रही है अच्छे से, और मतलब लाइक ब्राइटनेस ओके है। वैसे डिस्प्ले ठीक है गाइस, मैं बोलूंगा एवरेज है, जैसे कि बेजल्स बिल्कुल पतले देखने मिल जाते हैं, पंचोल कैमरा है, लेकिन जो यहाँ पर कलर एक्यूरेसी है ना वो ब्लू की तरफ बहुत गई हुई है। जैसे कोई भी वीडियो चलाता हूं ना उसमें एक ब्लू टिंट नजर आता है, आई विश ब्रांड इसको फिक्स कर सके, हो अगर हो सका तो करना चाहिए, बट वैसे मैं बताना चाहता हूँ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन लाइक
अबव एवरेज है कुछ कंडीशन में डिस्प्ले या फिर एवरेज है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट मत करना। और गाइस नीचे लाल बटन मिलेगा आपको सब्सक्राइब का, उसको दबा दो क्योंकि मैं ऐसी डेंस और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हर एक फोन के लिए लेके आता रहता हूं, लाइक हर एक टेक के लिए। नंबर थर्ड बात करते हैं कैमरे के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। 64+5+2+2 का क्वाड कैमरा सेटअप है और मैं आप लोग के सामने फोटो खींचना चाहूंगा। एक चीज टेस्ट करेंगे वो है डायनेमिक रेंज। ऊपर देखो कड़कती धूप है बिल्कुल गाइस, और हम फोटो खींचेंगे, यहां पर बिल्कुल धूप है और ये फोटो खींच दी। अब टेस्ट करते हैं कि ये एग्जैक्टली में दिखता कैसे, कितनी रिटेन कर पाता है डिटेल। तो हाँ भाई यहाँ पर एसी वगैरह दिख तो रहा है बट डिटेल इतनी ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, लाइक कलर पूरे लॉस कर दिए इसने, पूरी फोटो ब्लैक हो गई है, तो डायनेमिक रेंज ओके नहीं है। और एक और फोटो खींचते हैं, ये पोर्ट्रेट मोड से मैंने खींच दी आयुष की फोटो और थोड़ा सा टाइम लग रहा है देखो फोटो खींचने में, इसलिए मैंने आप लोग को दिखाया। तो ये टाइम क्यों लग रहा है पता नहीं, बट डायनेमिक रेंज बहुत बुरी है। पूरा पीछे का जो है वाइट कर दिया है, और यहाँ पर जो है आयुष की स्किन टोन में ठीक बताना चाहूँगा, डिटेल वगैरह सब कुछ ठीक है बट पूरी फोटो यहाँ से वाइट कर दी है, तो ये एक प्रॉब्लम है। नंबर फोर हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, और यहाँ पर बीइंग एन इंडियन ब्रांड में एक बात कह सकता हूँ यहाँ पर लावा के बारे में कि इन लोगों की प्रोसेसर की चॉइस बहुत अच्छी थी, 6nm पे बेस्ड है और ये 6nm है, नंबर जितना कम हो उतना एफिशिएंट प्रोसेसर होता है और ये बहुत ग्रेट एफिशिएंसी में बोल सकता हूँ। इस फोन के अंदर जो है ना मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 देखने में मिल जाता है, और गाइज इसके N22 के स्कोर्स देखो, और सबसे क्रेजी बात इसकी CPU थ्रॉटलिंग देखो, जिसको भी ग्राफ नहीं देखने आते बस मैं इतना बता रहा हूं बहुत ग्रेट है, और ये ग्राफ पूरा ग्रीन है, ये चीज अच्छी है। मैंने इसमें जो है वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस टेस्ट भी रन किया था, उसकी भी लाइक स्टेबिलिटी बहुत अमेजिंग थी। ये सारी बातें थी ऑन पेपर वाली, अब आप देखना कैसे चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये सब कुछ सुनने में देखने में कितना अच्छा था। लेकिन अगर मैं इस फोन के अंदर आप लोग को एप्स को लोड कर दिखाऊं तो ये अच्छा खासा टाइम लेती है, और इसके अंदर जो है UFS स्टोरेज है ये नहीं बताया कौन सी। अब यहां पर उसकी स्पीड टेस्ट दिखाऊंगा तो 200 MB के करीब करीब रहेंगे, जो कि 20,000 रुपए के फोन के हिसाब से एक गलत बात बन जाती है। हम लोग एटलीस्ट 500 या फिर 400 MBPS डिजर्व करते थे अगर लाइक आप 20,000 रुपए चार्ज करना चाहते हो फोन के लिए तो। और हाँ मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा, ये अपना एक स्वीट टाइम लेता है, लाइक बहुत सारा टाइम लेता है कोई भी ऐप को लॉन्च करने के लिए। जैसे कि मैंने ऑप्टिमाइजेशन की बात करी थी ना स्टार्टिंग में, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा फील होती है। अब इसमें बोलने के लिए तो स्टॉक एंड्रॉइड की पूरी पूरी फील है, बट हाँ यहाँ पर थीम्स के भी ऑप्शन है, और ये मतलब समझ रहे हो कि चीजों को अपने तरीके से ट्विक किया हुआ है। और जो आइकन्स वगैरह है ना वो बहुत ही पुराने वाले एंड्रॉइड के फील होते हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगा, बट ये छोटी छोटी नीट पिकिंग्स है। बट मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ लाइक परफॉर्मेंस, रो परफॉर्मेंस इसके अंदर बहुत ज्यादा है क्योंकि वो प्रोसेसर बहुत केपेबल है इसका, लेकिन इन्होंने पूरा यूटिलाइज नहीं किया है जो इनकी UI है उसको, इतना ज्यादा वर्क की नीड है कि भाई तब जाके इस फोन का पूरा पोटेंशियल निकलेगा। तो अभी तक कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों में एवरेज ही बोलना चाहूंगा उससे नीचे। और अब जो है ना एक बार गेमिंग की भी बात कर लेते हैं, मैं आप लोग को BGMI की सेटिंग्स दिखाता हूं और एक बार इसका गेम प्ले देखो। HD हाई पे ये गेम चल रहा था और मैं बता सकता हूँ कि गेमिंग परफॉर्मेंस एक्चुअली में अच्छी है। तो मैं फिर से वही रिपीट करना चाहूंगा, इसकी UI सारा काम खराब करती है, स्लो है, एंड्रॉइड 11 है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो है ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलता। तो बैटरी के बारे में यहाँ पर बात अगर मैं करूँ, ये लास्ट पॉइंट है मेरा, 5000 mAh बैटरी और 30W चार्जिंग है ना 18 या फिर 20,000 रुपये के हिसाब से मेरे पास कुछ शिकायत करने के लिए नहीं है ऑनेस्टली। तो मेरे पास पॉइंट ये है कि बस अगर मैं यहाँ पर इसकी थिकनेस की बात करूँ 5000 mAh के हिसाब से थोड़ी सी कम हो सकती थी, तो बस इतनी सी कमी निकालना चाहूंगा, नहीं तो बैटरी डिपार्टमेंट इज वेरी गुड। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, सारी बातें आप लोगों ने सुन ली है, मैं आप लोग को ये कह सकता हूँ कि जिसका बेस वेरियंट है वो 8/128 GB देखने मिल जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट 100% है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जो Realme वगैरह जो फोन आ रहे हैं 5G वाले, वो थोड़ा सा लाइक 18W की चार्जिंग दे रहे हैं, वो भी इतना अच्छा पैकेज नहीं है। फोन एक्चुअली में अच्छा है, सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन की नीड है, और अगर ये थोड़ा सा और सस्ता निकाल देते ना तो मेरे हिसाब से मार्केट डिस्ट्रॉय थी। जैसे कि पैकेजिंग कितनी प्रीमियम थी यार, मतलब कि ब्रांड सच में सीरियस तो है अपने इस प्रोडक्ट को लेकर, बट अगर थोड़ा सा और प्राइस कम हो जाता
तो ये सच में बिल्कुल मैं खुले दिल से रिकमेंड करने वाला प्रोडक्ट हो जाता, मेरे को एक्चुअली में पसंद आया है। हाँ बस मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि 5G टैग के साथ आता है और इन दिनों में कोई भी फ़ोन 5G के साथ आया है ना तो उसके अंदर दुनिया भर के कॉम्प्रोमाइजेज देखने को मिले हैं, चाहे वो किसी भी वे में हो। तो इसमें भी वो कॉम्प्रोमाइजेज है, बट एटलीस्ट लावा एज एन इंडियन ब्रांड मैं बोल सकता हूँ अगर पहला फ़ोन लेकर आया ना तो भाई मज़ा आया, कुछ अच्छा देखने को मिला है। आई होप ऐसे और फ्रीक्वेंटली लॉन्च करे तभी लोगों के दिल में जगह बनती है भाई, यही मैं बोलना चाहूँगा। आप लोग बताना क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, और अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर लगा देता हूँ, आप चेकआउट कर लो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टेक बारे में को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।